हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हर्षित जी, तो हमको बताएंगे हर्षित जी यहाँ की पूरी स्टोरी। बागों मतलब पत्ते होंगे। अच्छा, तो दिन दिन होता जाएगा, फिर वो पत्ते अपने आप ही गायब होते रहेंगे। हमें भी फॉलो कर देना और इनको ढेर सारा सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल को फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे कर देना सभी को फॉलो। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो भी पूछते हैं इनसे कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस इनका। तो भी यहाँ से पैदल रास्ता, मतलब कि ना 1-1.5 घंटे का रास्ता पैदल। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश वीडियो। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आज सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ रेडी। मैं सुबह 6 बजे उठ गया था क्योंकि हम जा रहे हैं आज कॉलेज की छोटी सी पिकनिक है सिलेवल सर की, तो वहाँ जाएंगे। मतलब आज ही गया था, मतलब 5-6 साल पहले मैं एक बार गया वहाँ पर, उस टाइम तो मैं बहुत ही छोटा था। जो जो गया है ना वहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में बता दें किसके किसने सिलेवल सर देखा है। तो हम भी जाएंगे, देखेंगे फुल पावर इंजॉय करेंगे। तो आप भी इंजॉय करना, ब्लॉग में देखते रहना, फुल पावर इंजॉय। और आपको भी मैं एक्सप्लोर कराऊंगा कि जगह कैसी है। जगह तो कसम से बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल व्यू है कसम से, खतरनाक खतरनाक व्यू है, तो आपको आज देखने को मिलेंगे एकदम अच्छे अच्छे व्यू। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हम लार जी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो शूट हो रहा है मेरा। और ये रही अपनी ट्रैवलर, 2 ट्रैवलर है। तो अभी हम रुके हैं कि यहाँ पर ढाबे में, मतलब जगह का नाम तो नहीं बता रहा है, एक ढाबा है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं तब निकलते हैं यहाँ से। सो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं मैं अभी जलोड़ी। तो अभी यहाँ से पैदल रास्ता, मतलब कि ना 1-1.5 घंटे का रास्ता पैदल। भाई व्यू तो खतरनाक है भाई, बीच में हमें ना बर्फ ही देखने को मिली। A few moments later. तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आप पूछ सकते हैं 4 किलोमीटर था नॉन स्टॉप। हाँ 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप आए फाइनली, लेकिन पहुंच गए। खतरनाक। सो गाइस चेक कर सकते हैं यहाँ का व्यू कसम से अल्टीमेट। झीलना बिल्कुल एकदम क्लियर है भाई, एक भी पत्ता तक नहीं है। अंकित झील और ये रहा ऊपर मंदिर बूढ़ी नागिन का। पीछे देख सकते हैं ये है सियोल सर का मंदिर, और मेरे पीछे देख सकते हैं झील। तो हम यहाँ की आपको कुछ स्टोरी बताना चाहेंगे, तो चलिए कुछ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हर्षित जी, तो हमको बताएंगे हर्षित जी यहाँ की पूरी स्टोरी। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मंदिर है ये किस माता का मंदिर है? ये है बूढ़ी नागिन। अच्छा, तो मतलब ये जितना बड़ी प्लेस है तो ये सारी बूढ़ी नागिन का है। और ये जो झील है वो मतलब किसकी है? ये भी इनकी है। तो मतलब जो बूढ़ी नागिन है उन्होंने यहाँ पे तो तपस्या की थी क्या? नहीं नहीं, ये दरअसल नहीं कि ये बहुत पहले से ही हमारे को भी पता नहीं है, मतलब ये दरअसल इनका मूल स्थान है यहाँ, तो मतलब ये नहीं हमारे को पता नहीं है, मतलब मेरे को तो नहीं पता है, बुजुर्गों को शायद पता होगा कि कब से है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि कब से है, बट यहाँ माता है। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे कोई मेला होता है या फिर फेस्टिवल कुछ नहीं होता है। दरअसल अभी होता है मतलब नेक्स्ट मंथ के अगले मंथ आते हैं अपन लोग तो उस टाइम थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है साझा होता है ना उस टाइम आते फिर एक साझा होता है मानसून के टाइम उस टाइम आते घी वगैरह लाते हैं दरअसल थोड़ा ज़्यादा घी इसमें डालेंगे घी के बर्तन को लेकर पूरे के मतलब रात को सुबह को मतलब पत्ते होंगे दिन दिन होता जाएगा फिर वो पत्ते अपने आप ही गायब होते रहेंगे। अच्छा और ये मंदिर कब तक खुला रहता है टाइमिंग है या फिर कोई टाइमिंग है इसकी आई थिंक मार्च दिसंबर तक। अच्छा उसके बाद अगर स्नो एक बार पड़ गई ना फिर उसके बाद तक की है। अच्छा तो हमने बहुत सारी जानकारी ली है मिस्टर हर्षित जी से तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू हर्षित हमारे साथ बनने के लिए सो मच थैंक यू। कैसा बना ठीक बना। सो दोस्तों आज नाइक भाई का बर्थडे भी था तो ये वाह बर्थडे बॉय आज के हाँ तो अभी केक कट करेंगे वीडियो बनाते ना इसकी ये सब भी है अपने साथ ही आए हैं। आजो आजो हैप्पी तो भी मैं आए थे पूछने कैमरा चार्जिंग में लगाने था बट है ही नहीं वाला कुछ जुगाड़ और ये चेक कर सकते हैं भाई बर्फ खतरनाक इसे व्यू चेक कर सकते हैं खतरनाक और बाकी अपने सभी देखते परे पहुंच के साथ ही लोग हम दो ये भी यहाँ पर आए फोटोशूट करने। A few moments later. दोस्तों हमने किया यहाँ पर फुल पावर एंजॉय सो भी निकलते हैं घर को तो यहाँ का भी होना कसम से बहुत ही अच्छा था कसम से शानदार और अभी यहाँ पर गौरव भाई भी है साथ में और तीन लड़कियाँ पीछे इनका फोटोशूट कर रहे थे तो बाकी सब तो निकल चुके आगे हम भी निकलते आगे तो भी खींचते एक फ़ोटो भाई का तब निकलते हैं लास्ट फोटो। सो दोस्तों अभी टाइम 4 बजे का हो रहा है और अभी हम निकल चुके ऊपर से तो अभी तो धूप लगी हुई एकदम शानदार मस्त व्यू था कसम से वहाँ पर भाई खतरनाक व्यू था। अभी चलते हैं हम बस इतने 5 है हम था बस हम 5 ही लास्ट में फोटोज वगैरह तो हमने फोटो वगैरह खींच के हम फ्री हो गए चले हम घर को। अब ट्रैवलर के पास जा रहे हैं हम अपने चलते ट्रैवलर के पास रात को बनेंगे अरे ऐसे सीधे गाइस हम हमें भी फॉलो कर देना और इनको ढेर सारा सब्सक्राइब कर देना चैनल को इंस्टाग्राम पे कर देना सभी को फॉलो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। आईडी बता दो मेरा नाम मेरा इंस्टाग्राम पे तनुबोध है मेरा सभी ना ठाकुर है और आपका सृष्टि राणा सृष्टि भाई का मेरा यस भाई गौरव राजपूत बस कर देना सभी को फॉलो तो भी पूछते हैं इनसे कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस इनका बहुत बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया क्लाइमेट इतने मस्त कूल मज़ा ही आ गया बहुत मज़ा आया भाई घूमने के लिए पूरी अब हम वापस जा रहे हैं मिलते जाके ट्रैवलर के पास ट्रैवलर के अंदर मिलते हैं अब दोस्तों डीजे के साथ नृत्य गाते हुए फुल ऑन। सो दोस्तों अभी अब जा रहे हैं घर को मतलब फुल पावर एंजॉय किया अपने ठंड तो कसम से बहुत ही ज़्यादा हो गई है यहाँ पर मतलब बहुत ठंड लग रही है अब तो और अभी लास्ट फोटोशूट हो रहा है तो बाकी सब बैठ गए गाड़ी में क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है तो बस सब करते हैं इस ब्लॉग को भी एंड आई होप मज़ा आया होगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।